वेलकम टू दीपिका शर्मा किचन। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में कोकोनट की चटनी बना रही हूँ। तो कोकोनट की चटनी के लिए मैं डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जो साबुत आता है उसको काट के और ग्राइंड करके, और इसके साथ मैं गर्म पानी के साथ इसको बनाऊँगी। ये अच्छी बनती है, गर्म पानी के साथ भी अच्छा टेस्ट देती है। और बाद में मैं इसमें तड़का ऐड करूँगी। तो मैं पॉट में ये एक छोटी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गर्म पानी डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया। ये देख सकते हैं आप कितना वाइट कलर है इसमें। अब मैं इसमें तड़का ऐड करूँगी। तड़के के लिए मैं एक चम्मच कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तेल गर्म होने पर मैं इसमें राई के दाने ऐड करूँगी। राई मेरी तड़क गई है। अब मैं इसमें 8-10 पत्ते चॉप करके कड़ी लीव्स ये ऐड करूँगी। गैस को बंद कर दूँगी। 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करूँगी। मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे और फिर ये तड़का हम कोकोनट की चटनी में ऐड कर देंगे। तड़का रेडी हो गया फ्रेंड्स। अच्छे से मिर्चें मेरी भून गई हैं और कड़ी पत्ता भी। अब ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको हम मिक्स कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको इडली, डोसा, उत्तपम किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।